और अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर बड़ी संख्या में स्मारक अनुरक्षण समिति कर्मचारी अपनी वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। स्मारक समिति अनुरक्षण समिति के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सातवां वेतन लगने के बाद भी पुराने वेतन ही दिए जा रहे हैं, जिसके विरोध में आज कर्मचारियों ने 1090 चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। है सीपीएफ जो 10% कटौती हर माह हम लोगों के खाते से की जाती है। 11 साल से आज तक किसी कर्मचारियों को नहीं पता है कि उसका पैसा कहां जा रहा है, किस अंधकार में किसके पास है, सुरक्षित है कि नहीं है, जमा है। और हाल ही में अभी एक मामला सामने आया कि 10 करोड़ का घोटाला भी किया गया, जिसमें हमारे वित्त प्रबंधक साहब निलंबित हुए। जिस मतलब बैंक में एफडी की गई थी, वहाँ प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक को भी जो है कि सस्पेंड किया गया, एफआईआर किया गया, अभी भी वो जेल में है। हम लोग अनभिज्ञ हैं कि शासन स्तर पे क्या हो रहा है, क्यों सब काम पेंडिंग में है, जबकि बाबा के राज में कहा जाता है कि कोई भी फाइल 2 दिन से ऊपर नहीं किसी टेबल पे रुकेगी। हमारी 11 साल से फाइल क्यों लंबी थी?